मुझसे भी लोग अक्सर पूछते हैं दुरूद शरीफ के बारे में, बहुत ही बाबरकत चीज, मगर अल्लाह ने इसको डिजाइन क्यों किया हमारे लिए? कुरान हकीम में परवरदिगार कह रहे हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी दुरूद सलाम भेजा करो। क्यों डिजाइन किया? दुरूद का मतलब क्या है? दुआ, प्रे फॉर प्रॉफिट। तो माज अल्लाह, क्या रसूलुल्लाह हमारी दुआओं के मोहताज हैं या हमारी दुआएं उनका कुछ संवार सकती हैं? ये कोड है जिसको हमें समझना है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर, ए अल्लाह इन पर अपनी रहमत में इजाफा फरमा और इन पर अपनी बरकत में इजाफा। ये आपके लिए कंपलसरी है। आपने अगर जिंदगी में एक नमाज भी पढ़ी होगी तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया, किसी जनाजे की नमाज भी अदा कर ली तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया। ये क्यों इतना बाउंड किया, क्यों इतनी पाबंदी लगा दी आप? दुरूद शरीफ दुआ है। कुरान हकीम में वाज़े बयान है कि जो तुम्हें दुआ दे उसके बदले में या उसको वैसी ही दुआ दो या बढ़कर दो, या बढ़कर उसे दुआ दो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एहतमाम फरमाया हुआ है कि जो भी शख्स दुरूद पढ़ता है, दुरूद भेजता है, वो अल्लाह के रसूल को उसके वालदैन के नामों के साथ पहुंचाया जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के वालदैन के नामों के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया जाता है। तो जब आपका नाम लेके वो दुआ पहुंचाई जाती है तो कुरान के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये कानून लागू हो गया, जो तुम्हें दुआ दे उसको उसके बदले में बेहतर दुआ दो। जब आपकी दुआ रसूल अल्लाह को पहुंचाई जाती है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बदले में आपको बेहतर दुआ देते हैं, और जिसका दुआ गो रसूल हो जाए उसकी बख्शिश कन्फर्म हो जाती है। उम्मत मुसलमा की बख्शिश को कन्फर्म करने के लिए परवरदिगार आलम ने दुरूद का सिलसिला जारी किया। इसको हमेशा करते रहें और ये जहन में रखें कि आपका दुरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया जा रहा है और वहां से उसके बदले में बेहतर दुआएं आपको नसीब हो रही हैं। तो आपकी बख्शिश का ये अल्लाह ने बंदोबस्त फरमाया कि चाहे भले आपने जिंदगी में एक ही दफा पढ़ा हो तो आपको एक दफा तो दुआएं आपसे मिल गई। तो इसलिए दुरूद शरीफ की अहमियत को समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट आपके सामने रखा कि आपको अंदाजा हो कि आपके लिए इसमें कितना बड़ा कोड है और कितनी बड़ी मेहरबानी अल्लाह की छुपी हुई है।